नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। एसपीएन 9 न्यूज में इस वक्त की बड़ी खबर आपको यहां बताते चलें कि बिहार से इस वक्त की बड़ी जानकारी सामने आ रही है। बिहार में नीतीश कुमार को तेजस्वी यादव एक बड़ा झटका देने की तैयारी कर रहे हैं। बता दें आपको कि तेजस्वी यादव की इस बड़ी चाल और इस बड़े कदम से नीतीश कुमार थर थर कांपते नजर आ रहे हैं। बताते चले आपको, बिहार में जेडीयू के फिर से एनडीए में शामिल होने के बाद यहां पर लगातार नीतीश कुमार की जो मुश्किलें हैं वो अब फिर से खड़ी हो गई हैं। यहां पर जेडीयू के फिर से एनडीए में शामिल होने के बाद आरजेडी भले सरकार से बाहर हो गई हो, लेकिन आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाले। आरजेडी पिछले 17 महीनों तक चली महागठबंधन की सरकार में मिली सरकारी नौकरियों को अब भुनाने की तैयारी में। आरजेडी की ओर से पटना की सड़कों पर इससे संबंधित कई तरह के न केवल पोस्टर लगाए जा रहे हैं, बल्कि आरजेडी अपने सोशल मीडिया हैंडल से भी इन कार्यों का श्रेय तेजस्वी यादव को देकर इसे प्रचारित कर रही है। आरजेडी ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर लिखा कि जब मार्ग सुनियोजित हो, दिशा तय हो, तब परिणाम भी वांछित ही मिलते हैं। अब तक उपेक्षित रहे विभागों को मात्र 17 महीनों में सही दिशा दिखाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तेजस्वी यादव को साधुवाद। बिहार की जनता भर रही उंकार, अब बिहार में भी चाहिए बस तेजस्वी सरकार। पटना की सड़कों पर पोस्टर लगाकर आईटी पर्यटन यहां और खेल पॉलिसी लाने के लिए तेजस्वी को धन्यवाद दिया जा रहा है। इसके अलावा लगे पोस्टरों के जरिए लाखों बहाली और नौकरियां प्रक्रियाधीन के लिए भी तेजस्वी यादव को धन्यवाद यहां पर किया गया है। कई पोस्टरों की तस्वीर को एक्स पर साझा करते हुए आरजेडी ने लिखा कि लाखों बहाली और नौकरियां प्रक्रियाधीन करने के लिए धन्यवाद तेजस्वी यादव जी। तेजस्वी द्वारा सारी प्रक्रिया पूरी कराने के बाद अब सरकार शिक्षक बहाली का तीसरा और चौथा चरण यथाशीघ्र शुरू करे। बताते चले आपको कि यहां पर लगातार नीतीश कुमार के लिए तेजस्वी यादव एक बड़ी से बड़ी मुश्किलें यहां पर खड़ी करते नजर आ रहे हैं। क्या फ्लोर टेस्ट से पहले यहां पर नीतीश की सरकार गिरती नजर आएगी या नहीं, ये देखना बेहद ही ज्यादा जरूरी होगा। क्या कहना है आपका इस रिपोर्ट पर, कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें और देखते रहिएगा एसपीएन 9 न्यूज। धन्यवाद।